हेलो रफियंस, आज मैं आपकी मुलाकात चंडीगढ़ के जसबीर सिंह जी से कराता हूँ। जसबीर सिंह जी मोहम्मद रफी साहब के बहुत बड़े सैदाई हैं। अभी पिछले दिनों जब हमारा रफी अरुण गौतम साहब के यहाँ जाना हुआ, वहां मेरी मुलाकात जसबीर सिंह जी से हुई और उन्होंने कुछ बातें हमारे साथ शेयर की मोहम्मद रफी साहब के। वही बातें आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मिलिए जसबीर सिंह जी से। और उसने रफी साहब ने डोली के वक्त वो गाना गाया, डोली वाला गाना। मैं मिल के आया था एस मोहिंदर साहब से, इस साल में उनकी डेथ हुई ना, उसी साल में मैं उनसे जुलाई में मिला था बॉम्बे। तो उनकी फिजिकली वो थोड़े मतलब प्रॉब्लम थी, उनको व्हील चेयर पर उनका लड़का लेके जाता था, ऊपर सर में रखा हुआ था उसी नहीं। तो उनके साथ बहुत गुफ्तगू हुई काफी टाइम तक, तो उन्होंने कई चीजें बताई। उन्होंने पापी के टाइम पे बताया, कहता पापी जब मैंने राज कपूर और नरगिस को लेकर पिक्चर बनाई तो मेरे को राज कपूर बोलता है कि भाई मेरी आवाज़ तो मुकेश ही करता है। तो कहता है मैंने बोला, मैंने कहा मुकेश इतने की करेगा कहते यार कि मैं जो गाना गवाना चाहता है, कहता मुकेश इतने की करेगा और वो गाना तेरा काम है जलना परवाने, चाहे शमा जले या ना जले, शमा जले या ना जले। तू पंख जला ले दीवाने, चाहे शमा जले या ना जले, शमा जले या ना जले।